हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी डायलॉग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, दिन भर से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जीज में है, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। यानी कि किस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में दिन भर से लेकर अब तक चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखी जाएंगी। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है आपके लिए, तभी से ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरल रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी आप एनर्जी जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन दिन भर से लेकर अब तक किस एनर्जीज में है, किस तरह सोच में ये पर्सन घिरे हुए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज दिन भर व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, दिन भर से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे। तो सबसे पहला यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी फाइव ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज दिन भर मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में आज सारा दिन चलता रहा, दिन भर से लेकर अब तक ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स एम्परर किसकी एनर्जीज है, गाइड कीजिए बताइए। अंडरस्टैंडिंग सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में आज दिन भर से लेकर अब तक के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए। हार्मोनी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर किस तरह की सोच रही है, दिन भर से लेकर अब तक के पर्सन इस मामले में किस सोच में रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग पावर पॉसिबिलिटीज, नाइट ऑफ वैंड्स, इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी है मैच्योरिटी। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एनर्जीज से। जैसे मेजॉरिटी लेवल पे जो जो एनर्जीज हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। यहाँ पर आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया है। उसके अलग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है। तो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे यही एनर्जीज काफ़ी क्लियरली दिखाई दी हैं। उसके अलग आपका एरीज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आज की इस रीडिंग में दिखाई दिया है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर थ्री एंड नंबर फाइव, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपका मार्च और मई मंथ, जो बेसिकली इस तरह से आपको लेने होंगे, जैसे इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में मिले थे, या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस मंथ में आपकी एनिवर्सरी हो, इस मंथ में आप बिछड़े हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होते हैं। पाँच साल का रिश्ता है, तीन साल का रिश्ता है, पाँच महीने, तीन महीने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस कनेक्शन में चल रहे हैं, या फिर हो सकता है पाँच साल या तीन साल तक सब चीज़ें सही चली और उसके बाद बिखरनी शुरू हुई है, उसके बाद इस रिलेशनशिप में एक डिज़ास्टर आया है, एक टावर मोमेंट आया है, तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलने होंगे।
देखो बेसिकली आपके पर्सन, चाहे ये खुद किसी के कंट्रोल में है, यानी कि इस पर्सन के ऊपर चाहे कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव है, जिसे इन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के सारे अधिकार दे रखे हैं, वो हो या फिर इस पर्सन का खुद का ऐसा नेचर, इनका हद से ज़्यादा घमंडी होना, हद से ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर बॉस मानना, दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये एहसास दिलाती रही हैं कि ये पर्सन इन्हीं चीज़ों की वजह से आज तक स्टक है। आज तक ये पर्सन जो बाहर खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, खुलकर बाहर सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन सभी के पीछे की वजह ये है। अगर आप लोगों के केस में देखो कोई पेरेंट्स इश्यूज़ है, घर के कोई मुखिया है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन है, तो ये पर्सन उसके बारे में दिन भर ये सोचते रहे कि उनकी वजह से ये आज इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या आज ये यहाँ पर है, और उन्हीं की वजह से ये पर्सन आज तक अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि ये स्टक रह गए हैं। और अगर इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है या आपको इस बात की जानकारी भी नहीं है इवन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन खुद ऐसे है कि हद से ज़्यादा घमंडी है, हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसी हद से ज़्यादा होने के चक्कर में आज तक ये पर्सन ना स्टक रह गए हैं, बाहर खुलकर जी नहीं पाए हैं। तो दिन भर ये पर्सन इस चीज़ को जैसे समझ रहे थे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी वजह से, इसी घमंड की वजह से या इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, दोनों ही जो भी आपके हिसाब से है चीज़ें, सिचुएशन है, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन ना आपके साथ इन्होंने जो भी गलत व्यवहार करा है, जो भी इस कनेक्शन में मनमुटाव हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या जो भी इस कनेक्शन में चीज़ें बिखरी हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन सोचते रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी फाइव ऑफ वैंड्स है और ये भी फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना इस कनेक्शन के बिखरने से पहले कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर आपकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इस पर्सन के घर में, ठीक है। और ये पर्सन ना उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते रहे हैं। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जैसे कि आप लोगों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थी नहीं जितनी कि यहाँ पर ना इनके ईगो की वजह से या इनके परिवार वालों की वजह से कॉम्प्लिकेट करी गई हैं, और इसी रीज़न की वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, काफ़ी मनमुटाव हुए हैं, और उस चीज़ को ये पर्सन ना आज सारा दिन जैसे फील करते रहे, उस चीज़ को ये पर्सन जैसे एक्सेप्ट कर रहे हों, और यहाँ पर ये दिख रहा है उन चीज़ों को जितना ज़्यादा ये पर्सन समझते रहे हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी कमी महसूस होती रही है अपनी लाइफ में, आपका प्यार इन्हें महसूस होता रहा है कि अब उसकी कमी हो गई है इनकी लाइफ में, यानी कि ये पर्सन ना आज दिन भर से लेकर अब तक जैसे आपके साथ इनकी जो भी यादें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो यादें बुरी ही क्यों ना हो, अच्छी क्यों ना हो, सभी यादों को इस पर्सन ने आज दिन भर जैसे सोचा हो या बस काम करते जा रहे हैं और वो यादें इनकी ना आपके दिमाग में बस चलती रही हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें है कि ये पर्सन एक वक्त पे ना इन्हीं सभी वजह से आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन करके गए थे, बजाय आपके साथ एक घर बसाने के या घर में इस रिश्ते को बनाए रखने के, इन्होंने इस कनेक्शन से जो मूव ऑन करने का डिसीज़न लिया है ना, ये पर्सन आज सारा दिन कहीं ना कहीं उस डिसीजंस के आगे अपने आप को दबा हुआ महसूस करते रहे, क्योंकि उसी डिसीज़न ने इस पर्सन की ज़िंदगी में सारी पॉसिबिलिटीज़ को, सारे रास्तों को बंद कर दिया, तो इनके दिल में इस चीज़ की जैसे आग सी जल रही हो, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन उनको दोषी करार देते रहे हो कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बनाया, अपनी लाइफ में अप्लाई करा, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली ये निकला कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें स्टेबल भी थी, जो पॉसिबिलिटीज़ भी थी ना, वो भी अब इनके हाथों से छूट गई है, तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को आज दिन भर से लेकर अब तक जैसे कि परेशान करती रही हो या उन चीज़ों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो रहा हो कि ओवरऑल भाई देखो मेरा लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना आपके बलबूते पर या आपकी आंखों से जो मैंने देखा वो मेरा बहुत बेकार गया है।
ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है, परिवार की पॉसिबिलिटीज़ या एक कपल की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे इन चीज़ों को सोच सोच कर, इन चीज़ों को समझ समझ करना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं। उन पर इन्हें गुस्सा आ रहा हो, उन पर इन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, या उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन इनकी आज दिन भर रही है। ज़्यादा जैसे होता है ना कि इंसान का बात करने का दिल ही नहीं कर रहा अब किसी से, तो ऐसी हालत या ऐसी सोच इनकी रही है। अपनी इमोशंस को ये पर्सन आज दिन भर से लेकर अब तक जैसे बैलेंस नहीं कर पाए, या कह सकते हो अपने गुस्से को ये पर्सन शांत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये पर्सन ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से जितना ज़्यादा देख रहे थे, उतना ज़्यादा इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ भाई देखो सिचुएशन में अब बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, और उन सब की वजह ये है कि ये उनकी बातें बस सुन रहे थे और करते जा रहे थे। सुनी सुनाई बातों पर ये पर्सन डिसीजंस ले रहे थे, एक्शंस ले रहे थे, और उन्हीं सुनी सुनाई बातों ने ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं डुबो दिया। इस पर्सन के जो भी बनते बनते काम भी थे ना, वो भी जैसे बिगाड़ दिए हों, इन्हें ऐसा फील होता रहा है दिन भर से लेकर अब तक। और उस चीज़ की वजह से पॉसिबिलिटी है ये पर्सन ना बोले भी ना हो किसी से, अपने परिवार में किसी से भी इन्होंने ज़्यादा बातचीत भी ना करी हो, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बहुत क्लियरली बनती हुई मुझे दिखाई दी है। ठीक है, अपने आप को ये पर्सन अब एक क्रॉस रोड पर देख रहे हैं, और इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इस क्रॉस रोड पर तो है ही है, लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्रॉस रोड पर तो हैं, लेकिन उसमें दो ऑप्शंस तो होते हैं, लेकिन इनके पास अब वो दो ऑप्शंस भी नहीं बचे हैं, तो ऐसा कुछ इन्हें ना आज दिन भर से लेकर अब तक फील होता रहा है। अतीत में बहुत ज़्यादा झांकने की पर्सन कोशिश करते रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना एक्सपीरियंस ये अतीत मुझे ये पास्ट मुझे देकर गया है, या कितना स्टक मुझे ये करके गया है, कितनी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करके ये अतीत जो है वो गया है, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को जैसे कि आज सारा दिन डिस्टर्ब करती रही हो, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा था कि इन चीज़ों ने ना आपके साथ को और ज़्यादा इनसे दूर कर दिया, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन के ऊपर हावी हो रही थी, तो ये यहाँ पर है। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, दिन भर से लेकर अब तक के पर्सन किस एनर्जीज़ में हैं, गाइड कीजिए बताइए, दिन भर से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज़ में हैं, किस सोच में हैं, गाइड कीजिए बताइए, दिन भर से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज़ में या किस सोच में हैं। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके लिए नंबर टू एंड नंबर फोर ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है, यानी कि फरवरी और अप्रैल मंथ। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में बन रही है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, ये पर्सन ना दिन भर से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा इमोशनली आपकी तरफ खिंच रहे थे। ठीक है, जितना ज़्यादा इस पर्सन का खिंचाव इमोशनली लेवल पे आपकी तरफ खिंच रहा था, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना पास्ट में झांक कर देख रहे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में किसने क्या कहा, इन्होंने क्या करा, किसके किस बात पर इन्होंने क्या करना शुरू करा, तो उन चीज़ों की जैसे कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहे हो, और जितनी ज़्यादा इस पर्सन ने उस चीज़ की रिसर्च करी है, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस एनर्जी में पहुँचे हैं, उतना ज़्यादा बेचैन हुए हैं, उतना ज़्यादा ऐसा लगा जैसे कि किसी तरह से ये टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाए और उन सभी चीज़ों को सही कर दे, तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के ऊपर हावी हुई पड़ी हैं।
ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है आज दिन भर, या अब भी ये पर्सन जैसे आपको स्पाई कर रहे हो, फेक आईडी से ही चाहे आपको ढूंढ रहे हो या कोशिश कर रहे हो ढूंढने की आपकी लाइफ में अब क्या है क्या नहीं है, या आपके दिल में अब इनके लिए क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों की जैसे कि ये पर्सन छानबीन करना चाह रहे हो, या आपसे बात करें आपकी तरफ एक हाई हेलो का मैसेज ड्रॉप करें, या आपसे कोशिश करें बात करने की ताकि पता चले आपके मैसेज से कि अब आप किस एनर्जी में हो, किस सोच में हो, आपके दिल में अब इनके लिए क्या है। तो इस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के ऊपर जैसे कि हावी हुई पड़ी है, दिन भर भी हुई हुई थी और अभी भी हुई हुई है। जैसे मन में इच्छा हो रही है, इस चीज़ का कंफ्यूजन चल रहा है, इस चीज़ की जगलिंग कर रहे हैं कि बात करूँ या ना करूँ, मैसेज डालूँ या ना डालूँ, क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में ना आज दिन भर से लेकर अब तक चलती रही हैं। इनके दिल में ये भी चीज़ें चल रही थी कि देखो भाई मौके तो मैंने खो दिए हैं विद दिस फोर ऑफ कप्स कार्ड, इस चीज़ को अब ये चाहकर भी नकार नहीं सकते हैं। एज एन जब यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट्स आ रहे थे या जब सिचुएशन ऐसी थी कि हाँ ये आपसे बात कर सकते थे, चीज़ें इतनी भी बेकार नहीं हुई थी, तो इन्होंने उस वक्त पे ना इनको सुना, ये परिवार वालों को सुना, इस अथॉरिटिव पर्सन को सुना, या इवन अपनी ईगो को ही इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। और अब जब ये सिचुएशन को मैच्योरिटी से देख रहे हैं तो इन्हें ये समझ में आता रहा या आ भी रहा है कि भाई ये उस वक्त में कितनी इमैच्योरिटी से काम करते रहे, कितना ज़्यादा इस सिचुएशन में इन्होंने काम खराब करा है, तो वो चीज़ें इन्हें ना जैसे परेशान करती रही हूँ। आपके लिए इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है ना, जिसे ये बहुत ज़्यादा छुपाते फिर रहे हैं, जिसे ये बाहर आने नहीं दे रहे हैं, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस पर्सन की बाहर आ रही थी। वो फीलिंग्स जैसे ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हो या रोकना भी नहीं चाह रहे हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर इस पर्सन के साथ आज सारा दिन चलता रहा और अब भी चल रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि बात तो करनी है, प्यार तो एक्सप्रेस करना है इस पर्सन को आपसे, लेकिन ये पर्सन बेचैन ज़्यादा रही हैं बजाय एक्शंस लेने के, तो ऐसा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं, अगर ये पर्सन इतने ही ज़्यादा बेचैन रहे हैं दिन भर भी और अभी भी, तो क्या इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज़ है एक्शंस आने की, तो वो चीज़ें देखते हैं। टैरो से गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स के या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की इन सब चीज़ों के बाद कोई पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इन सब के बाद व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइड कीजिए बताइए। ईगो एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिन्यूअल। देखो ये चीज़ें तो है कि आपके पर्सन का ना ईगो टूट तो गया है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो तोड़ दिया है, या सिचुएशन ने हालातों ने इस पर्सन के ईगो को अब चकना चूर तो कर दिया है। और वही जब ईगो इस पर्सन का जैसे कि टूटा, जब आँख पे से पट्टी खुली, तब ये पर्सन इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत देखना चाह रहे हैं और देखते भी रहे हैं कि कैसे अब इस कनेक्शन को नए सिरे से शुरू करा जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपके पर्सन ना ईगो टूटने के बावजूद भी अभी एक क्लियरिटी चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्लियरिटी हो, या जो भी वजह थी आप लोगों के बीच में उनकी तरफ से किसी तरह की क्लियरिटी इन्हें मिले, ताकि ये एक सही और सटीक डिसीजन ले पाएं आपकी तरफ बढ़ने का और इस कनेक्शन को सही करने का। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन का जो अंदर से ईगो टूटा है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक जजमेंट है यूनिवर्स का, एक जजमेंट कॉल यहाँ पर हुई है, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन का ईगो भी टूटा है, वरना इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगो एक वक्त पे सवार रहा है। ठीक है, आपके लिए इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और सारा दिन भी आपके लिए जैसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो, और आपके साथ जो भी ख्वाब देखे थे उन्हें फिर से इन्होंने जिया हो, या फिर उन्हें जगाने की, जीने की इनकी फिर से इच्छा रही हो, तो ऐसी इनकी एनर्जीज आज सारा दिन रही है। तो देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं बहुत टेम्परेरी हैं, और उस टेम्परेरी चीज़ों का यहाँ पर
एंड यहाँ पर डेफिनेटली होगा, और उसी के चलते इस पर्सन की तरफ से आपके तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। मुझे यहाँ पर समय ना काफ़ी लोगों के केस में 2 वीक्स दिखाई दे रहे हैं, 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह का एक्शन आ सकता है, ठीक है, किसी तरह का कॉल, टेक्स्ट, या इनके दिल में अब आपके लिए क्या है ये पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये पर्सन आज दिन भर आपसे कहना क्या चाह रहे थे, इनके मैसेजेस और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से आज दिन भर कहना क्या चाह रहे थे, गाइड कीजिए, बताइए, इनके मैसेजेस दीजिए। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। तो हो सकता है आपको इस पर्सन ने अभी रिसेंटली किसी के साथ देखा हो, भले आप उनके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन उसी चीज़ ने ना इस पर्सन की बेचैनी को बढ़ा दिया, उसी चीज़ ने इस पर्सन के सीने में जैसे आग लगा दी हो, और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे थे। और जब आग जली है ना इस पर्सन के सीने में आपको किसी और के साथ देखकर, तो ये पर्सन कहाँ से गलती हुई, क्या गलती हुई, उन सब चीज़ों को समझना स्टार्ट इन्होंने करा है। तो हो सकता है आपने किसी के साथ अपना फ़ोटो वगैरह लगाया हो, आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि इन्होंने आपके जो फ़ोटोज़ हैं ना वो अपने फ़ोन में अभी तक सेव कर रखे हैं, और हो सकता है पॉसिबिलिटी आज ही दिन भर आप ही की फ़ोटोज़ भी देखते रहे हो। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। तो भाई यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रही है, और उस ऑब्सेशन की वजह से जैसे कि ये पर्सन आपको ढूंढते रहे हो, आपके फोटोज इन्होंने बहुत ज़्यादा देखे हो, और आपसे यही कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे कहना चाह रहे हैं, आपसे ये शादी करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस मैरिज लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो आपको ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो ना वैसा ये कर रहे हैं। हो सकता है किसी पॉइंट पर आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, एज एन आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो देखो मैंने आपको ये चीज़ें बोली कि इस पर्सन को ईगो प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं इस ईगो के चलते इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई हैं, और आपसे ये कहना भी ये चाह रहे थे कि इन्हें ईगो प्रॉब्लम है, और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि इनके ऊपर कोई और ऐसा पर्सन है जो इनसे भी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और उन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इनके ईगो को यहाँ पर ब्रेक करा हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी लोगों के केस में। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन दिन भर से लेकर अब तक किस एनर्जीज़ में रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।